ये जो चलन है इंडियन पॉलिटिक्स में बाल की खाल निकालने वाला जो चलन आया है जी, कौन कौन सी चीज हम सामने लाएंगे? मिश्रा जी, आप संक्षेप में जरा कुछ। अपने मित्र का इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए है क्या, स्पॉन्टेनियस पॉलिटिक्स जो होती है बीजेपी में, इस मामले में मानता हूँ बीजेपी की एज है ओवर अदर जो है पॉलिटिशियंस है। बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी एक जाल बुनती है, बिछाती है, एक मुद्दा छोड़ती है, उस पर विपक्ष वाले चाहे राहुल गांधी हो कोई हो स्पॉन्टेनियस जो है रिएक्शन दे देते हैं बिना सोचे समझे, और बीजेपी बाद में जाकर के उनको फंसा लेती है। इसका लाइव एग्जांपल है जब पुलवामा अटैक हुआ। भाई 85-87 में हम लोगों ने किताब में पढ़ा था, उस वक्त जो फाइटर प्लेन होते थे मिराज वगैरह, उसमें ये स्कैनिंग वगैरह की फैसिलिटी होती थी। आज तो भारत के पास इसरो वगैरह सब कुछ है, तो ये इनके रक्षा मंत्री भी सबसे ज्यादा सरकार इन्हीं की रही है, तो क्या इन लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि भाई स्कैनिंग वगैरह, फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ पॉसिबल है और बीजेपी या डिफेंस जो है इस चीज के प्रूफ दे देगी कुछ दिनों के बाद? तो आपने ऐसे क्वेश्चन क्यों उठाया, यानी खुद ही जाकर के नेक्स्ट स्टेप में आप फंस गए। ये सबसे बड़ा ब्लंडर एक विपक्ष के साथ हमेशा होता रहा, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल एम्बुश, मतलब पॉलिटिकल जाल बिछाना। हमेशा से ये जो है बीजेपी के जाल में फंसते जा रहे हैं, यही रीजन है कि हर बार ये बैकफुट पे होते चले जा रहे हैं। किसी भी मुद्दे को जो विपक्ष ने उठाया उसको ये मुकाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, चाहे राफेल हो। यानी आप सिद्ध कर लीजिए कि वही ट्रैप वाली बात आप कर रहे हैं, ट्रैप ही है बीजेपी की, ट्रैप में ट्रैप, हाँ बीजेपी के ट्रैप में ये फंसते जा रहे हैं। ये अगर ये सेफ्टी मीजर लेके चलते हैं ना, तो हजारों ऐसे मौके मिले थे जहां पे कि ये बीजेपी को बहुत अच्छे तरीके से घेर सकते थे। सबसे बड़ी गलती विपक्ष की ये रही कि कम से कम 3-4 साल तक ये चुप रहे, बीजेपी अटैक करती रही, इन्होंने बोला ही नहीं, जबकि स्पॉन्टेनियस वहां पे होना चाहिए। अगर आप विपक्ष में हो तो आपको 2400 घंटे हर दिन आपको आंख कान खुले रखने हैं, काम करना है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया तो 2 महीने पहले आप एक्टिव हो गए। भाई नाउ पॉलिटिक्स इट इज ए फुल टाइम जॉब। अब वो जमाना गया कि नेताजी निकल करके एक बार हाथ जोड़ के घूम देते थे, सारी पब्लिक उन्हीं को दे देती थी। अब ऐसा नहीं है, हर दिन हर पल हर सेकंड रातों रात मुद्दे बदल रहे हैं, वोटर्स के प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण हर इंफॉर्मेशन, देखिए बाल की खाल निकल रही है, हर मुद्दे में बाल की खाल निकल रही है। अब जैसे बोफोर्स का था, केवल मुद्दा उठा उसी पे हवा बन गई, बोफोर्स मुद्दे की बाल की खाल नहीं निकली क्योंकि संचार मीडिया उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था जितना कि अब है। अब तो बाहर से भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। संजीव, हमारे सहयोगी रमेश का ऐसा मानना है कि आतिशी का जो एपिसोड हुआ है वो उनके पक्ष में नहीं गया है। हम आपको बता दें कि आतिशी के खिलाफ जिस किस्म के पर्चे दिल्ली में मिले थे और आम आदमी पार्टी ने गौतम गंभीर के ऊपर उनका आरोप लगाया था और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, उस पर्चे में जो कंटेंट्स थे उसका ज्यादातर हिस्सा हम टीवी पर आपको नहीं बता सकते, लेकिन वो काफी अभद्र थे। बहरहाल हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिश्रा जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, दिल्ली से अगर शुरुआत करें, दिल्ली में तमाम सारे मुद्दे हैं लेकिन यहाँ पर आज एक चीज जो अरविंद केजरीवाल ने आज कही इस मतदान से ठीक पहले, कि अगर दिल्ली में, या उन्होंने देश के परिप्रेक्ष्य में यह बात कही कि अगर मोदी एक बार फिर से आ पाते हैं तो इसका दोष सीधे सीधे राहुल गांधी पर है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार उस सेक्युलर सरकार के गठन में बाधा बन रहे हैं, वहां वो ममता बनर्जी के खिलाफ काम कर रहे हैं, इधर समाजवादी पार्टी के और यहाँ आम आदमी पार्टी के। देखिए मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं उन्होंने सही भी कहा है, और पिछले बहुत दिनों से जब ये गठबंधन कॉन्सेप्चुअल लेवल पे था, मतलब इन लिम्बो था, प्रोसेस में था, 8-9 महीने पहले, तब भी मैंने बोला इनका कॉन्सेप्ट बड़ा सही है, महागठबंधन बनाना। एक ही फिलॉसफी थी कि 70% वोट बीजेपी के अगेंस्ट पड़े हैं तो उसको हम हथिया लें, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि केवल गठबंधन का कॉन्सेप्ट बना लेना वो एक डिफरेंट चीज होती है, और वाकई में नेचुरल वे में गठबंधन बनना, यानी संगच्छध्वम संबद्धध्वम वाला जो जब तक लय और ताल नहीं होता, माइक्रोसिंक नहीं होता, तब तक गठबंधन अपना मैक्सिमम या बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, ये वही चीज है। अब देखिए यहां पे एनालाइज करने वाली ये चीज है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ये आरोप लगाए हैं, जो मैंने बोला कि ये सही है, वो कैसे सही है। देखिए कांग्रेस एक नेशनल लेवल की पार्टी है, हर पार्टी के दो टारगेट होते हैं। पहला टारगेट ये होता है कि पूरे देश में उसका एक छत्र राज्य हो।
अगर अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे हैं और कांग्रेस ऐसा कर रही है, गठबंधन के खिलाफ काम कर रही है, तो उसके पीछे उनके दो टारगेट है। पहला तो यह है कि जैसे जो पक्ष है इस वक्त बीजेपी, उसको रोका जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है, पर्सनल ग्रोथ भी तो चाहिए, यानी कांग्रेस पार्टी का ग्रोथ चाहिए ना। तो उसके लिए आप गठबंधन को कमजोर करेंगे या पीछे करेंगे तभी आप आगे जाएंगे। यानी ऐसा करके कांग्रेस पार्टी जो अभी तक गठबंधन यानी छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टियों के बैसाखी के सहारे है, अब वो बैसाखी को छोड़ करके अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है। एक तीर से दो शिकार कांग्रेस कर रही है। गठबंधन में रहते हुए बीजेपी को भी वोट काट करके, जैसा कि इन्होंने बोला था, गठबंधन को मजबूत बना रही है, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल वे में ये देखा जाए अपने आप को भी जबरदस्त तरीके से ये एक्सपेंशन करने की स्ट्रेटजी है। चलिए, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सेकंड दर्जे में जाने वाली है, तो कई सीटों के बारे में आकलन है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को खो रही है कुछ सीटों को। एक सवाल आपसे मिश्रा जी करना चाहूँगा कि ये जो एपिसोड आया अरविंद केजरीवाल के एक उम्मीदवार के बेटे, वो सीधे सीधे सामने आए और उन्होंने कहा कि उनके पिता ने जो टिकट है वो 6 करोड़ रुपए में खरीदा है, कितना बड़ा इम्पैक्ट आप पाते हैं इसका? बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। देखिए, ये जांच का विषय है, लेकिन ऐसे मुद्दे, ऐसी खबरें अभी नहीं, बहुत पहले से पूरे देश की राजनीति में आती रही है। बाहुबल और धनबल का जो है हमेशा से प्रयोग होता रहता है, और ऐसा हो सकता है केजरीवाल जी के साहब जो है उनके केस में भी ऐसा हो सकता है। इससे एक, देखिए, अपनी टीम में आम आदमी पार्टी में अकेले जो कोई अगर हीरो था, जो करता धरता था, वो केजरीवाल थे। केजरीवाल का जो राजनीतिक उदय हुआ है वो राजनीतिक सुचिता के कारण हुआ है, राजनीतिक ईमानदारी के कारण हुआ है, जन जन की बात करने के कारण हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एक हथौड़ा रहेगा। उनकी जो ईमानदार छवि अभी उन्होंने अभी तक बनाई थी, जो बड़ी कमजोर हो गई है, अब ये समझ लीजिए कि ईमानदार रूपी जो ऊंट है उसके कुबड़ को तोड़ने के लिए ये आखिरी तिनका साबित होगा, अगर ये सिद्ध हो गया तो। एक जमाने में जिस आभा मंडल का जिक्र आप कर रहे हैं यहाँ पर मिश्रा जी, वो बहुत जबरदस्त हुआ करता था, बहुत तेजी से अरविंद केजरीवाल के जो अलग अलग स्वरूप हैं वो उन्होंने मोदी को भी पीछे छोड़ दिया था इसमें। सबसे पहले वो IITian थे, टेक्नोक्रेट थे, उसके बाद वो सिविल सर्वेंट बने, उसके बाद RTI एक्टिविस्ट बने, अपनी भूमिकाएं उन्होंने बहुत कामयाब तरीके से निभाई। और मुझे याद है दिल्ली में आंदोलन के दौर में और उसके बाद में भी अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा फिगर थे कि जब लिखा हुआ होता था किसी बोर्ड के ऊपर कि अरविंद नहीं उद्घोष है, सुभाष चंद्र बोस है, तो लोग उसके सामने आकर अपने फोटोग्राफ्स लेते थे, सेल्फी लेते थे। जो फेथ इन्होंने डेवलप किया था ना, देखिए होता क्या है, क्योंकि ये मैटेरियल पॉलिटिक्स में फर्स्ट टाइम था, तो बगैर पहली बार या मिनिमम एक बार टेस्ट किए हुए आप किसी भी मैटेरियल की क्वालिटी को नहीं जान सकते हो। तो उसके बाद हुआ क्या, लोगों के अंदर एक फेथ आया, फेथ परसेप्शन ऐसा डेवलप हुआ कि भाई ये तो बड़ा साधारण आदमी है, ये शेल्टर्स में सोने वाला आदमी है, जमीन पे सोने वाला आदमी है, इतना साधारण, ये पहनता है मफलर पहनता है, ये सारी चीजें हैं। मैं एक चीज को और मान लूं, अगर आप राजनीति में आते हैं तो ये बट नेचुरल है कि आपके ऊपर तरह तरह के षड्यंत्र और प्रहार होंगे ही होंगे, तो आपके अंदर वो स्किल भी होना चाहिए कि आप उन सब चीजों को झेलिए और मैनेज करिए। रीजन कुछ भी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी का नियत ही खराब हो गई हो, जो वो डिफेम उनके अंदर आया, जो उनकी छवि इतनी तेजी से जो है बढ़ी थी, बनी थी, मतलब आंधी की तरह आए थे, तूफान की तरह उनकी वो छवि जो है गायब हो गई है, शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी रह गई, चाहे मेटेरियल वो ना रहा और उसकी परेशानी भी कहीं ना कहीं झलकती है, और उनकी दोषारोपण वाली जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर भी तमाम सवाल उन पर उठते रहे हैं। खत्म हो गई है। आपने तो इन बातों के आलोक में क्या मिश्रा जी ये मान लिया जाए कि इन चुनावों का जो जनमानस के मन में जो मुद्दा है वो नेशनल सिक्योरिटी ही रहने वाला है और यही सबसे बड़ा मुद्दा है और बाकी मुद्दे गौण हो जाएंगे, या क्या वाकई जिन मुद्दों की बात राहुल गांधी आज कर रहे थे कि गब्बर सिंह टैक्स, या हम ये कहें कि उन्होंने किसानों की स्थिति का जिक्र किया, राफेल का जिक्र किया, ये सारे मुद्दे जनमानस में हैं, या नेशनल सिक्योरिटी का ही एक थॉट लेकर मतदाता वोट डालने जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मतदाता की बार कई मामलों में देखा जाए ना, तो मतदाता जैसे जब लहर चलती है 2014 की बात करें, या जब राजीव गांधी जी 400 से ज्यादा सीट लाए थे, जब लहर चलती है ना, तो मेजर जनता का जो मेजर चंक होता है, पार्ट होता है ना,
एक ही मुद्दे पे, ऐसा नहीं कि 10 मुद्दे पे, एक ही मुद्दे पे दृढ़ निश्चय होता है, उसके विचार क्लियर होते हैं, और ऐसा नहीं इलेक्शन के एक दो दिन पहले होते हैं, वो महीनों, दो महीने, तीन महीने पहले ही वो बन जाता है, इसी को लहर बोलते हैं। अब की बार क्या है, देखिए 2014 में जो था कि एक वेव बनी हुई थी कि हाँ भाई बहुत सारे मुद्दे थे उसमें, उसके कारण ये एक विचार दृढ़ प्रतिज्ञा हो गई थी जनता, या मेजोरिटी जो है जीतने के लिए उन्होंने वोट दिया मोदी जी को और बीजेपी को। अब की बार क्या है, दोनों के लिए मैं बोलूंगा, पक्ष विपक्ष के लिए, जनता चाहती तो थी एटलीस्ट सर्टेन परसेंटेज जो पब्लिक थी, जो पिछली बार उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, उसमें से एक अगर पाई चार्ट बनाया तो एक ग्रुप ऐसा था जो डेफिनेटली बीजेपी से हटना चाहती थी। अब राहुल गांधी जी ने या विपक्ष ने जो मुद्दे बनाए, चाहे वो राफेल हो चाहे जो हो, एक शब्द है स्वांतर सुखाए। मेरे कहने का मतलब एक बेयर मिनिमम जो है कॉन्सेप्ट होता है, आप ये देखिए आपको एग्जाम में पास होना है तो 33.5 नंबर मिनिमम लाना है, एक नंबर भी अगर आप कम लाए तो रिजल्ट होगा फेल। आपने मुद्दे बहुत सारे उछाले, लेकिन केवल मुद्दों को उछाल देना ही नहीं होता है, उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाना होता है कि वो मुद्दे जनमानस को प्रभावित करे और वोट के रूप में ट्रांसफार्म हो। इसीलिए मैं बोलता हूं स्वांतर सुखाए, मुद्दे उठा करके उस लेवल तक नहीं पहुंचे जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल होना चाहिए कि वोट में कन्वर्ट हो। कौन कौन चीजें हम सामने लाएंगे, मिश्रा जी आप संक्षेप में जरा कुछ। आपने मित्र का इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए है क्या, स्पॉन्टेनियस पॉलिटिक्स जो होती है बीजेपी में, इस मामले में मानता हूं बीजेपी की एज है ओवर अदर जो है पॉलिटिशियंस है, बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी एक जाल बुनती है, बिछाती है, एक मुद्दा छोड़ती है, उस पर विपक्ष वाले चाहे राहुल गांधी हो कोई हो, स्पॉन्टेनियस जो है रिएक्शन दे देते हैं बिना सोचे समझे, और बीजेपी बाद में जाकर के उनको फंसा लेती है। इसका लाइव एग्जाम्पल है जब पुलवामा अटैक हुआ, भाई 85-87 में हम लोगों ने किताब में पढ़ा था, उस वक्त जो फाइटर प्लेन होते थे मिराज वगैरह, उसमें ये स्कैनिंग वगैरह की फैसिलिटी होती थी। आज तो भारत के पास इसरो वगैरह सब कुछ है, तो ये इनके इनके रक्षा मंत्री भी सबसे ज्यादा सरकार इन्हीं की रही है, तो क्या इन लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि भाई स्कैनिंग वगैरह, फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ पॉसिबल है, और बीजेपी या डिफेंस जो है इस चीज के प्रूफ दे देगी कुछ दिनों के बाद। तो आपने ऐसे क्वेश्चन क्यों उठाया, यानी खुद ही जाकर के नेक्स्ट स्टेप में आप फंस गए। ये सबसे बड़ा ब्लंडर एक विपक्ष के साथ हमेशा होता रहा, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल एम्बुश, मतलब पॉलिटिकल जाल बिछाना, हमेशा से ये जो है बीजेपी के जाल में फंसते जा रहे हैं। यही रीजन है कि हर बार ये बैकफुट पे होते चले जा रहे हैं, किसी भी मुद्दे को जो विपक्ष ने उठाया उसको ये मुकाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, चाहे राफेल हो। यानी आप सिद्ध कर दीजिए कि वही ट्रैप वाली बात आप कर रहे हैं, ट्रैप ही है बीजेपी की ट्रैप में, ट्रैप, हाँ बीजेपी के ट्रैप में ये फंसते जा रहे हैं। ये अगर ये सेफ्टी मीजर लेके चलते हैं ना, तो हजारों ऐसे मौके मिले थे जहां पे कि ये बीजेपी को बहुत अच्छे तरीके से घेर सकते थे। सबसे बड़ी गलती विपक्ष की ये रही कि कम से कम 3-4 साल तक ये चुप रहे, बीजेपी अटैक करती रही, इन्होंने बोला ही नहीं, जबकि स्पॉन्टेनियस वहां पे होना चाहिए। अगर आप विपक्ष में हो तो आपको 2400 घंटे हर दिन आपको आंख कान खुले रखने हैं, काम करना है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया तो 2 महीने पहले आप एक्टिव हो गए। भाई नाउ पॉलिटिक्स इट इज ए फुल टाइम जॉब। अब वो जमाना गया कि नेताजी निकल करके एक बार हाथ जोड़ के घूम देते थे, सारी पब्लिक उन्हीं को दे देती थी। अब ऐसा नहीं है, हर दिन, हर पल, हर सेकंड, रातों रात मुद्दे बदल रहे हैं, वोटर्स के प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण हर इंफॉर्मेशन, देखिए बाल की खाल निकल रही है, हर मुद्दे में बाल की खाल निकल रही है। अब जैसे बोफोर्स का था, केवल मुद्दा उठा उसी पे हवा बन गई, बोफोर्स मुद्दे की बाल की खाल नहीं निकली क्योंकि संचार मीडिया उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था जितना कि अब है। अब तो बाहर से भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। आप आए, हाथ हिलाया 3 महीने पहले, प्रियंका जी निकली, मैं सम्मान करता हूँ सबका, लेकिन ये राजशाही अब नहीं चलने वाली। हमारे जो बीजेपी के मित्र है ना, मैं सारी पार्टियों के लिए बोलता हूँ, बीजेपी नहीं, मैंने आपके अगेंस्ट नहीं बोला, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहा हूं। आपसे गलत तरह से आपकी बात मानता हूँ। देखिए है क्या, सारे राजनेताओं का यही हालत है। अगर जैसे मान लीजिए राहुल गांधी जी कुछ ठीक है विश्वसनीय शब्द वो एक बार में नहीं बोल पाए, मैं बोलता हूँ ऐसे नेता, मोदी जी तो आरएसएस से निकले हैं जहां पे धर्म और इन सब चीजों को पढ़ाया जाता है। आप उनसे पूछिए ना कि कबीर दास और गुरु नानक दास जी कैसे बनारस में बैठ के एक जगह पे सत्संग करते थे। जी मैं जवाब, तो ये चीज उनके लिए भी बिल्कुल, मैं जवाब अप्लाई, बिल्कुल मैं जवाब, 150 लोगों बिल्कुल मैं जवाब, देखिए लिख के ये मैं बिल्कुल जवाब आपको देता हूँ इसका। देखिए जब आप एक व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी पे बात करते हैं तो आप सीरीज ऑफ एविडेंस पे बात करते हैं। विश्वेश्वरैया की बात नहीं है उनकी, वन डे आई वोक अप एट नाइट, कुंभकर्ण को कुंभाराम को कुंभकर्ण, विश्वेश्वरैया तो खैर वो बोल ही नहीं पाते, एनसीसी को वो जानते नहीं, कैलाश पर्वत पर उन्होंने क्या देखा नहीं देखा वो उस चीज को जानते ही नहीं। आप सुनिए, तो परेशानी है स्ट्रक्चर में। मोदी जी ने केवल एक गलती की, 10 सेकंड, लेकिन जो आदमी अपना कुर्ता इतना नीट एंड क्लीन दिखाता हो उस पर केवल एक धब्बा लग जाए। अच्छा मतलब
साहब राजा 50 गलती करे वो माँ, राजा 50 गलती करे माँ, और एक सेवक से एक गलती हुई या परेशानी हुई या इतिहास में एरर हुआ तो आप उसको पकड़ लें। जनाब हम राजा नहीं है, हमसे गलतियां होती है, हम राजा नहीं है, हम सेवक है, हमसे गलतियां होती है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका ये नहीं, बिल्कुल नहीं, हम क्या कहते हैं, हम तो इंसान है, हम संगठन के लोग हैं, बढ़ बढ़ के 40 साल में ठीक है, ऊपर से किसी ने हमें फ्लाइंग तो नहीं है, हम फ्लाइंग तो नहीं है, हमने तो सीखा है सारी चीज़ भाई। वो तो पैदाइशी प्रधानमंत्री होंगे, पैदाइशी जनरल सेक्रेटरी उनके परिवार में आते हैं, नेहरू एंड फैमिली की तरह आप बहस न करें, आप छिपाइए। लिमिटेड चल रहा है, दूसरों की बुराइयों को बता करके, अरे दूसरा आदमी हाई स्कूल में फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पास हो गया, मेरी मार्क्स पास ही मार्क होना चाहिए तब मैं पास होऊंगा। आप दोनों मेहमानों से मेरा गुजारिश है, मेरी गुजारिश है शिवम जी, शिवम जी वैसे ही मिलेगा। We'll be right back.